आफ्ताबुकार उठी अंजुमन तमाम फन आप पर है हसरते मेहती हसन तमाम। अस्सलाम वालेकुम। बज़्म मेहदी हसन के साथ मैं हूँ सलमान अलवी। ये बज़्म जो हमेशा सजती है, सबसे पहले इसका शुक्रिया आप लोगों का अदा करूँ कि आप लोगों ने इसको भरपूर सराहा है, आपकी आरा हम तक पहुँची है और आपने इतनी तारीफ की है, और क्यों ना हो। मगर इसका खासा ये है कि जहाँ एक तरफ बहुत बड़े बड़े फनकार इसको सजाते हैं अपनी आवाज़ से और मेहदी साहब को खिराज तहसीन पेश करते हैं, वहाँ हमारे साथ महफिल में जो शुरका हैं वो खुद बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं, और इससे गाने वाले को भी एक मज़ा आता है क्योंकि उसमें शायर भी हैं, उसमें म्यूज़िक से ताल्लुक़ रखने वाले दूसरे फ़नकार मौजूद हैं, उसमें गायक हैं, उसमें कभी कभी कोई इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बैठे हुए होते हैं। तो ये एक बड़ा मुख्तलिफ सरंग है जो नॉर्मल बज़्म में आपको नज़र नहीं आता। नाज़रीन भी और हाज़रीन भी अब इस बात से तो उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम हर दफ़ा किसी नए फनकार को यहाँ दावत देते हैं, और कुछ फनकार वो हैं जो इस बज़्म का हिस्सा रहते हैं, वो कहते हैं नहीं जी हमें तो जाना ही नहीं है, ये बज़्म ऐसी है कि हम कहीं छोड़ के नहीं जा रहे, हम यहीं मौजूद हैं। उनमें से हुमैरा हमारे साथ बज़्म में मौजूद होती है, आज भी मौजूद है, और ज़ाहिर है हमारे साथ आसिफ भी मौजूद हैं। आसिफ गा चुके हैं मगर चूँकि वो साहबजादे हैं मेहदी साहब के, तो ज़ाहिर है कि उनकी उनका दिल चाहता है कि हर बज़्म में वो शरीक हों। हमारे साथ फैसल नदीम साहब हैं, इनका भी बड़ा ताल्लुक है मेहदी हसन साहब के साथ। हमारे साथ मतीन महमूद, ये भी हर वक्त हमारे साथ होते हैं क्योंकि इनकी रिसर्च इतनी है म्यूज़िक के ऊपर और मेहदी साहब पे और फिल्मी म्यूज़िक पे कि हम इनसे गाए बगाए पूछते रहते हैं कुछ चीज़ें, वो चीज़ें जो हमारे जहन में नहीं हैं, और वो आप लोगों के लिए भी और नाज़रीन के लिए भी एक मालूमात का ज़रिया बनती हैं। फिर फनकारों में हमारे साथ यहाँ सब बैठे हुए हैं, हमारे साथ ताज मुल्तानी साहब तशरीफ़ रखते हैं, हमारे साथ फिरोज़ अख्तर साहब तशरीफ़ रखते हैं, हमारे साथ आलमगीर साहब आज मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। आज हमने शमा जिसके सामने रखी है वो हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, फैसल लतीफ़। फैसल उन गायक में से हैं, उन गज़ल गायकों में से हैं जो कि जो यंगर जनरेशन, मैंने यंगर कहता हूँ क्योंकि मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, इनके अभी काले मौजूद हैं माशाल्लाह, तो फैसल को आज सुनेंगे, इनसे बात भी करेंगे। हुमैरा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी सुनेंगे, और फिर जो हाजरीन हैं उनसे भी मैं बात करता रहूँगा। फैसल, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करता हूँ, मेहदी साहब से आपकी बाकायदा मुलाकात रही? जी जी रही, बिल्कुल रही, ज़ाहिर रही होगी। शख्सियत ही ऐसी है कि उनसे शर्फ़ मुलाकात ना हो तो गज़ल ही नहीं गाई जाती है। अपने आप को मुकम्मल इंसान महसूस ही नहीं करता। बिल्कुल ठीक बात है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया पीटीवी का कि आपने मुझे ये एजाज़ बख्शा।